वेलकम स्टूडेंट टू आवर वीडियो लेक्चर सीरीज ऑफ जियो टेक्निकल इंजीनियरिंग एंड यू आर स्टडिंग अबाउट कॉम्पेक्शन। इन लास्ट लेक्चर वी हैव डिस्कस अबाउट द बेसिक डेफिनेशन एंड द पर्पज ऑफ कॉम्पेक्शन। सो टुडे वी आर गोइंग टू स्टार्ट अ न्यू टॉपिक कॉम्पेक्शन कर्व विच इज़ वेरी इंपॉर्टेंट इन द टर्म्स ऑफ सॉइल टेस्टिंग विद द सॉइल मटेरियल एंड कॉम्पेक्शन रिलेटेड टर्म्स। So here you can see compaction curve. The compaction curve is a relationship between a soil water content and a dry unit weight. Soil sample was computed at different water content in a cylinder of volume 1000 cc and a dry unit weight were obtained from the equation which you had seen in the index property chapter. Gamma D is equal to gamma B over 1 plus W. Here you can see the notification of gamma, which is denoted as the bulk unit weight, and the W is the water content and gamma D is your dry unit weight or dry density. A compaction curve is plotted between the water content as epsilon and the dry density as ordinate. Now हम इसकी compaction curve की बात करें तो basic different relation है between हमारे जो सॉइल के अंदर मॉइस्चर है रहेगा उसका और उसके ड्राई यूनिट वेट का रिलेशन है। हम जब कॉम्पेक्शन को फाइंड करते हैं तो हमारा बेसिक टर्म फाइंड आउट करने का रहता है ऑप्टिमम मॉइस्चर कंटेंट एंड मैक्सिमम ड्राई डेंसिटी। यहाँ पे कॉम्पेक्शन को प्लॉट करने के लिए हमें हमारे पास एक सिलेंडर रहता है जिसका वॉल्यूम 1000 सीसी क्यूबिक सेंटीमीटर जितना रहता है। यहाँ पे हम जो कर्व प्लॉट करेंगे उसका एक ग्राफ होगा। पहले तो ग्राफ के अंदर हमें कर्व प्लॉट करना रहेगा। तो जो वाटर कंटेंट है वो हमें एप्सिका में लेना है और ड्राई डेंसिटी हमें ओर्डिनेट में लेना है। मतलब एक्स एक्सिस में आएगा हमारा वाटर कंटेंट एंड वाई एक्सिस में आएगा हमारा ड्राई डेंसिटी। नाउ इट इज ऑब्जर्व दैट द ड्राई डेंसिटी इंक्रीजेज विथ एन इंक्रीजिंग इन वाटर कंटेंट till the maximum density is attained with further increase in water content the dry density decreases. Here you can see the graph and the plot of the compaction curve. It is always the same like this. For a particular limit it will increase its value of the dry density and further increment will water will remains to decrement in the dry density. मतलब यहाँ पे आप जो प्लॉट देख रहे हो यहाँ पे मैंने आपको पहले ही बताया था कि एक्स एक्सिस में हम वाटर कंटेंट डिनोट करेंगे और वाई एक्सिस में ड्राई डेंसिटी डिनोट करेंगे। वाटर कंटेंट को हम कैपिटल डब्ल्यू से डिनोट करते हैं, ड्राई डेंसिटी को गामा डी से डिनोट करते हैं। क्लियर। यहाँ पे एक टर्म आपको बताइए यहाँ पे कि सर्टेन लिमिट तक जब हम मॉइस्चर कंटेंट सॉइल के ड्राई सॉइल के अंदर ऐड करते हैं तो उसकी डेंसिटी इंक्रीज होती है। ठीक है, आप देख सकते हो यहाँ पे कव के प्लॉट्स में देख सकते हो आप। अब पर्टिकुलर लिमिट के बाद अगर हम वाटर कंटेंट उसके अंदर ज्यादा ऐड करेंगे तो उसकी ड्राई डेंसिटी में रिडक्शन होना स्टार्ट हो जाएगा। तो ये फेनोमिना आपको समझना बहुत जरूरी होता है कि ऐसा क्यों होता है। तो सबसे पहले तो जो ड्राई पार्टिकल्स होते जब हम उसके अंदर मॉइस्चर कंटेंट ऐड करते पानी ऐड करते तो उसके अंदर लुब्रिकेशन जैसी इफेक्ट होती है जिससे क्या होता है कि जो पार्टिकल होते थे वो एक दूसरे के और क्लोजर ग्रुप में आ जाएंगे। राइट, लुब्रिकेशन के कारण एक दूसरे से ज़्यादा नज़दीक आ जाएंगे। जो पहले वॉइड्स वगैरह होंगे वो इसके कारण रिमूव हो जाएंगे और नज़दीक आ जाएंगे। और फिर क्या होगा कि अगर ज़्यादा आप पानी ऐड करते जाओगे अंदर तो एक टाइम ऐसा आएगा कि सॉइल पार्टिकल्स जो होंगे वो अलग रह जाएंगे और वाटर पार्टिकल उसकी जगह ले लेंगे। अब पानी की डेंसिटी तो आपको पता है एक रहती है और सॉइल की डेंसिटी वेरी करती है 1.62 1.8 के 86 समथिंग लाइक। राइट, तो अगर सॉइल पार्टिकल्स अंदर से निकलेंगे और पानी के पार्टिकल्स अंदर ऐड होते जाएंगे ज़्यादा मात्रा में तो वो क्या करेगा कि उसकी डेंसिटी डिक्रीज कर देगा। ये फेनोमिना है यहाँ पे कॉम्पेक्शन कर्व के अंदर। नाउ हियर यू कैन सी द ऑप्टिमम मॉइस्चर कंटेंट जो मैंने आपको पहले बताया। राइट, कि हम जो कॉम्पेक्शन कर्व फाइंड करते हैं उसके अंदर फाइंड करने की टर्म रहती है ऑप्टिमम मॉइस्चर कंटेंट एंड
maximum dry density. So here you can see the water content corresponding to the maximum dry unit weight is called optimum moisture content. मतलब जहाँ पे हमें maximum dry density मिलेगी वो हमारा optimum moisture content point होगा. जैसे कि आप पानी अंदर ऐड कर रहे हो, soil sample लिया आपने, 1000 cc का आपने एक मोल्ड लिया है सिलिंड्रिकल, ठीक है. उसके अंदर आप सॉइल सैंपल ले लिया आपने, 3.5 to 4 kg अराउंड ड्राई यूनिट वेट ड्राई सैंपल होगा वो. उसके अंदर आपने पहले क्या किया कि पानी ऐड किया है सॉइल सैंपल में. अब मैं सेंड की बात करूँ तो मैं 4% से स्टार्ट करता हूँ, और क्ले की बात करूँ तो 8% से स्टार्ट करता हूँ. मतलब अगर सैंपल मेरा कोहेजन लेस है तो जो टोटल वेट लूंगा मैं सॉइल सैंपल का, एक कहते हैं ना बाउल के अंदर या फिर प्लेट के अंदर, वो मान लो आप 3 kg मैंने लिया है या फिर 4 kg मैंने सैंपल लिया है, ठीक है, 4 kg मान लो. अब उसके अंदर मुझे 4% वाटर ऐड करना है, मतलब 4 × 16, मतलब 160 ml मैं 4 kg सैंपल के अंदर पानी ऐड करूँगा. उसको थरोली होमोजीनियस मिक्स करूँगा 2 to 3 minutes तक. उसके बाद में 1000 cc का जो सिलेंडर है उसके अंदर वो सैंपल पुट करूँगा 3 layer में. वो मैं आपको जब कहते हैं ना प्रॉक्टर कॉम्पेक्शन टेस्ट और मॉडिफाइड प्रॉक्टर टेस्ट, मतलब प्रॉक्टर कॉम्पेक्शन मतलब स्टैंडर्ड प्रॉक्टर टेस्ट भी उसको कहते हैं, तो वो दोनों जब मैं आपको समझाऊंगा थियोरेटिकली तब मैं आपको उसके बारे में ज़्यादा डिटेल में बता दूंगा, ठीक है. फिलहाल के लिए ये क्या चीज़ बोल रहे हैं कि मैंने जो उसके अंदर पानी ऐड किया उसके बाद मैं ब्लोज मारूंगा, तो जो लुब्रिकेशन के कारण क्या होता है, पार्टिकल एक दूसरे से कॉम्पैक्ट जोन में चले जाते हैं, बराबर. तो उससे क्या होता है कि ड्राई डेंसिटी मुझे अचीव होगी. अब वो ड्राई डेंसिटी जहाँ पे मुझे मिल रही है वहां पे मैं अपना ऑप्टिमम मॉइस्चर कंटेंट कंसिडर करूंगा. आप ग्राफ पे देख सकते हो, यहाँ पे ये जो 18 के ऊपर के कुछ पॉइंट पे मुझे ये जो कव का मैक्सिमम टॉप मोस्ट पोर्शन होता है ना, एपेक्स होता है टॉप मोस्ट पोर्शन, वहां से मैं एक लाइन हॉरिजॉन्टल लाइन ड्रॉ करूंगा, तो मेरी गामा डी हो गई, मतलब ड्राई डेंसिटी हो गई, बराबर, मैक्सिमम वाली. और वहां से मैं एक वर्टिकल लाइन प्लॉट करूंगा ओएमसी पर, तो ओएमसी पे जो मुझे पॉइंट मिलेगा वो मेरा ऑप्टिमम मॉइस्चर कंटेंट हो जाएगा वाटर कंटेंट लाइन पे जो करूंगा वो, ठीक है. तो ये जो ड्राई डेंसिटी के लिए मुझे मैक्सिमम पॉइंट मिला ओएमसी का, वो मेरा मॉइस्चर कंटेंट का, वो मेरा ऑप्टिमम मॉइस्चर कंटेंट हो जाएगा. क्लियर. नोट दैट द मैक्सिमम ड्राई यूनिट वेट इज ओनली अ मैक्सिमम फॉर अ स्पेसिफिक कॉम्पेक्टिव एफर्ट इन द मेथड ऑफ कॉम्पेक्शन. मतलब ये जो पूरी टर्म है वो आपको मैं स्टैंडर्ड प्रॉक्टर टेस्ट, अभी जो मैं बोला मॉडिफाइड प्रॉक्टर टेस्ट, उसके अंदर आपको ज़्यादा डिटेल में समझ में आएगा. इसमें क्या कहना चाहते हैं लोग कि जो मैक्सिमम ड्राई डेंसिटी है वो दो चीज़ पे ज़्यादा कहते हैं ना कि डिपेंड करती है, एक तो कॉम्पेक्टिव एफर्ट और दूसरा होगा मेथड ऑफ कॉम्पेक्शन. मतलब कि जो कॉम्पेक्शन होने के लिए जो एफर्ट्स लग रहा है उसके ऊपर, और आप किस टाइप का मेथड यूज़ कर रहे हो कॉम्पेक्शन के लिए, दोनों चीज़ के ऊपर ये डिपेंड करेगा उसकी ड्राई डेंसिटी. क्लियर. क्योंकि उसके अंदर क्या होता है, जो स्टैंडर्ड प्रॉक्टर टेस्ट है उसके अंदर हैमर वेट, सिलेंडर, नंबर ऑफ लेयर्स, ये सब चीज़ें. दूसरी चीज़ होती है कि स्पीड ऑफ ब्लोज, ठीक है, स्पीड ऑफ ब्लोज भी मैटर करते हैं इसके अंदर कॉम्पेक्शन होने में. हैमर का वेट, ये सब चीज़ उसके ऊपर डिपेंड करेगी. नाउ नेक्स्ट हम लेते हैं ऑप्टिमम मॉइस्चर कंटेंट में, इच कॉम्पेक्टिव एफर्ट्स फॉर अ गिवन सॉइल हैज इट्स ओन ओएमसी. एज द कॉम्पेक्टिव एफर्ट इज इंक्रीज द मैक्सिमम डेंसिटी जनरली इंक्रीज एट द ओएमसी डिक्रीज. मतलब पर्टिकुलर कॉम्पेक्टिव एफर्ट के लिए जो रीडिंग्स होंगे अलग अलग सॉइल के, वो मुझे ओएमसी के अलग अलग ही मिलने वाले हैं. क्लियर. हर एक सॉइल के लिए अलग अलग मेरे को मिलेगा उसका रीडिंग, वो डेफिनेट चीज़ है. अगर मैं एक ही टाइप की सॉइल ले रहा हूँ और उसके अंदर अलग अलग टाइप से मैं कॉम्पेक्टिव एफर्ट्स लगा रहा हूँ तो उसके भी मुझे अलग रीडिंग मिलने वाले हैं. क्लियर. जनरली हमको एक फॉर्मेट में देखने को मिलता है कि जब हम कॉम्पेक्टिव एफर्ट इंक्रीज करते हैं तो मैक्सिमम ड्राई डेंसिटी भी हमारी इंक्रीज होती है एंड जो मॉइस्चर कंटेंट होता है वो डिक्रीज हो जाता है. ये एक जनरल टर्म हमें देखने को कॉमन मिलती है हर एक के अंदर. जैसे कि आप यहाँ पे प्लॉट के अंदर देख रहे हो ग्राफ में OMCMDD का है, एफसी का में वाटर कंटेंट, और ओर्डिनेट में आप देख रहे हो ड्राई डेंसिटी. तो यहाँ पे आपको ड्राई डेंसिटी 1 और ड्राई डेंसिटी 2 दिख रहा है, और OMC और MDD भी आपको अलग अलग मिल रहा है.
ये दोनों अलग अलग कॉम्पेक्टिव एफर्ट के लिए, ये लेस कॉम्पेक्टिव एफर्ट का रीडिंग है और नीचे वाला हायर कॉम्पेक्टिव, सॉरी ये वाला हायर कॉम्पेक्टिव का ग्राफ है आप जो देख रहे हो पहला वाला, और जो दूसरा वाला लेस कॉम्पेक्टिव एफर्ट का ग्राफ है, क्लियर? क्योंकि आप क्लियरली देख सकते हो यहाँ पे ड्राई डेंसिटी मुझे यहाँ पे ज़्यादा मिल रही है, मतलब इसके अंदर ज़्यादा कॉम्पेक्टिव एफर्ट मैंने यूज़ किया है और उसकी OMC कम मिल रही है। देखो 12.5 समथिंग यहाँ पे कुछ मिल रही है और उसका 18 के ऊपर जा रहा है, 18.7 जितना मेरे को ड्राई डेंसिटी दिख रही है, जबकि दूसरे कव के अंदर सेम सॉइल के अंदर मुझे उसका अलग लेस कॉम्पेक्टिव एफर्ट के अंदर अलग रीडिंग मिल रहा है। मेरे को 16.2 समथिंग उसकी ड्राई डेंसिटी मिल रही है मैक्सिमम, और 14 अराउंड मुझे ऑप्टिमम मॉइस्चर कंटेंट मिल रहा है, मतलब वाटर कंटेंट ज़्यादा मिल रहा है, ठीक है? तो ऑब्वियसली ये लेस कॉम्पेक्टिव एफर्ट का रीडिंग है और ये हायर कॉम्पेक्टिव एफर्ट का रीडिंग है, क्लियर? नाउ कॉम्पेक्सिव कर्व टॉपिक के अंदर ही आप देख सकते हो जीरो एरोइड्स कर्व, हम उसको सैचुरेशन लाइन से भी डिनोट कर सकते हैं। सो द कर्व रिप्रेजेंट द फुल्ली सैचुरेटेड कंडीशन, दैट मीन्स द सैचुरेशन रेट इज इक्वल टू 100%। सो इट कैन नॉट बी रीच बाय कॉम्पेक्शन ऑब्वियसली। अ थियोरिटिकल यूनिट वेट इज गिवन एज गामा डी इज इक्वल टू जी गामा डब्ल्यू ओवर 1+ E, राइट? हियर यू कैन सी द वैल्यू ऑफ ई इज गिवन एज डब्ल्यू जी अपॉन एस आर, यू नोटेड दैट ऑन द चैप्टर ऑफ इंडेक्स प्रॉपर्टी, राइट? द वॉइड रेशियो हैज द रिलेशन विथ डब्ल्यू जी अपॉन एस आर, क्लियर? सो द वैल्यू ऑफ ई इज गिवन एज द डब्ल्यू इंटू जी बिकॉज एस आर मीन्स द सैचुरेशन रेट विच हैज द 100% वैल्यू, दैट मीन्स 1, सो इट विल बी 1, राइट? सो डब्ल्यू जी अपॉन एस आर, हियर एस आर इज 1 वी हैव टेकन ड्यू टू द एस इज इक्वल टू 100%। सो द इक्वेशन विल बिकम जी गामा डब्ल्यू ओवर 1+ W इंटू जी। फ्रॉम दिस इक्वेशन यू कैन क्लियरली सॉल्व द जीरो एडवॉइड लाइन। नाउ अगेन यू कैन सी द चार्ट, हियर इज द रीडिंग ऑफ OMC MDD ऑप्टिमम मॉइस्चर कंटेंट एंड मैक्सिमम ड्राई डेंसिटी। द ग्राफ इज द सेम ऑफ वाटर कंटेंट एज एप्सिका एंड ड्राई डेंसिटी एज द ओर्डिनेट, बट हियर यू कैन सी दैट न्यू लाइन डॉटेड लाइन विच इज योर जीरो एरवर्ड लाइन्स विच हैज एस इज इक्वल टू 100%। सो वैन यू पुट द ऑल वैल्यू ऑफ गामा डब्ल्यू जी डब्ल्यू एंड जी इन दिस इक्वेशन यू विल गेट द डिफरेंट वैल्यू ऑफ ड्राई डेंसिटी। सो दैट वैल्यू यू हैव टू नोट डाउन इन द ग्राफ एंड कनेक्ट इट थ्रू द डॉटेड लाइन, सो यू विल गेट द जीरो एडवर्ड लाइन फ्रॉम दिस इक्वेशन। फॉर दिस इक्वेशन ऑफ OMC MDD यू ऑलरेडी नो दैट ड्राई डेंसिटी एंड बल्क डेंसिटी रिलेशन, गामा डी इज इक्वल टू गामा बी ओवर 1+ W। सो फ्रॉम दिस टू इक्वेशंस, फर्स्ट वन इज गामा डी इज इक्वल टू गामा बी ओवर 1+ W एंड अनदर इज गामा डी इज इक्वल टू जी गामा डब्ल्यू ओवर 1+ E। यू कैन प्लॉट बोथ OMC MDD एंड द जीरो एडवर्ड लाइन्स इन द सेम ग्राफ, क्लियर? नाउ लाइन ऑफ ऑप्टिमम्स मीन्स अ लाइन ड्रॉ थ्रू द पीक पॉइंट ऑफ सेवरल कॉम्पेक्शन कर्व एट डिफरेंट कॉम्पेक्टिव एफर्ट्स फॉर द सेम सॉइल विल बी ऑलमोस्ट पैरेलल टू द जीरो एडवर्ड कर्व, इट इज कॉल्ड द लाइन ऑफ ऑप्टिमम्स। व्हाट डज इट मीन? इट मीन्स दैट जो भी हमारे कर्व होंगे सेम सॉइल के अंदर, अब मान लो अभी मैं लो प्लास्टिक क्ले की बात कर रहा हूँ, उसके अंदर मैं पहले 75 ब्लोस से कॉम्पेक्शन करता हूँ, ठीक है? उसके बाद मैं उसके ऊपर 150 ब्लोस से कॉम्पैक्ट करता हूँ, उसके बाद उससे ज़्यादा 225 ब्लोस से मैं उसको कॉम्पैक्ट कर रहा हूँ, ठीक है? तो फर्स्ट जो मेरा रीडिंग होगा 75 ब्लोस का वो मुझे ब्लू लाइन्स में दिख रहा है यहाँ पे, दूसरा जो मेरा 150 वाला रीडिंग होगा वो मुझे ग्रीन लाइन से यहाँ पे दिख रहा है, और उससे ज़्यादा मैं ब्लोस उसके ऊपर अप्लाई कर रहा हूँ 225 जितने ब्लोस, राइट? तो वो मुझे यहाँ पे दिख रहा है ब्लैक कलर की लाइन, क्लियर? अब उसके जो हर एक के पीक पॉइंट होंगे, मतलब OMC MDD वाले पॉइंट्स, क्लियर? वो सभी पीक पॉइंट को अगर मैं कनेक्ट करूंगा एक डॉटेड लाइन से, तो वो डॉटेड लाइन और मेरी जो जीरो एडवर्ड लाइन जो जी गामा डब्ल्यू और 1+ W वाला जो इक्वेशन है उससे मुझे मिल रही है, वो दोनों मेरी पैरेलल जैसी मुझे दिखेगी, नियर टू पैरेलल मुझे मिलने वाली है। तो जो जीरो और एडवर्ड लाइन के पैरेलल मुझे लाइन मिल रही है उसको मैं लाइन ऑफ ऑप्टिमम कहने वाला हूँ, क्लियर?
लाइन ऑफ ऑप्टिममस में उसको डिनोट करूंगा, ये चीज है यहाँ पे। तो यहाँ पे आप लोगों को ज्यादातर ओएमसीएम रिडिट और कॉम्पेक्शन कव के बारे में मैंने डिटेल्स प्रोवाइड कर दिए, होप आप लोगों को समझ में आओगा। अब ये जो कॉम्पेक्शन हम लोग करते हैं तो उससे किस किस चीजों पे अफेक्ट होने वाला है, मतलब फैक्टर अफेक्टिंग कॉम्पेक्शन, उसके बारे में हम बात कर लेते हैं। पॉइंट्स के बारे में बात करते हैं, उसके अंदर डिटेल में हम नेक्स्ट लेक्चर में देखेंगे, लेकिन पॉइंट्स देख लेते हैं अभी फिलहाल। तो हियर यू कैन सी द फैक्टर अफेक्टिंग कॉम्पेक्शन। तो जो भी हम लिए कॉम्पेक्टिव एफर्ट्स और कॉम्पेक्शन मेथड यूज करते हैं उससे हमें किस किस चीज पे अफेक्ट होने वाला है। तो फर्स्ट वन तो हमारा वाटर कंटेंट ऑफ द सॉइल, राइट, जो कॉम्पेक्शन है उसके ऊपर वाटर कंटेंट ऑफ सॉइल का मेजर अफेक्शन रहने वाला है। देन अमाउंट ऑफ कॉम्पेक्शन, कितने अमाउंट में हम कॉम्पेक्ट कर रहे हैं, मतलब कॉम्पेक्टिव एफर्ट्स की बात कर रहा हूँ मैं यहाँ पे, जो हमें आगे आपको बताया वो 75, 150 और 225 ग्लोव्स के बारे में जो हम डिस्कस किया, वो अमाउंट ऑफ कॉम्पेक्शन की बात करें यहाँ पे। देन टाइप ऑफ सॉइल बीइंग कॉम्पेक्टेड, मतलब किस टाइप के हम सॉइल कॉम्पेक्ट कर रहे हैं उसके ऊपर भी ज़्यादा अफेक्ट रहता है फैक्टर, ये भी एक मेजर फैक्टर रहेगा कॉम्पेक्शन करने के अंदर। देन द अमाउंट ऑफ कॉम्पेक्टिव एनर्जी यूज्ड, मतलब कितने एनर्जी एफिशिएंसी से आप कॉम्पेक्टिव कर रहे हो, मतलब उसके अंदर ड्राइविंग स्पीड भी आ जाएगा, है आप जिससे उसके ऊपर कॉम्पेक्शन कर रहे हो उसकी ड्राइविंग स्पीड एक मेजर रोल कहेंगे कि प्ले करने वाली है यहाँ पे। देन मेथड ऑफ कॉम्पेक्शन, मतलब किस मेथड से हम लोग कॉम्पेक्शन कर रहे हैं। अब लेबोरेटरी की बात करो तो वहाँ पे दो टाइप के मेथड होती है, स्टैंडर्ड कॉम्पेक्शन, स्टैंडर्ड प्रॉक्टर टेस्ट, और दूसरा होता है मॉडिफाइड प्रॉक्टर टेस्ट। तो एक मेथड ऑफ कॉम्पेक्शन अलग से हमें ध्यान में रखना पड़ता है। उसके बाद आता है थिकनेस ऑफ लेयर, मतलब कितनी लेयर तक का हम कॉम्पेक्शन कर रहे हैं। अगर हम बहुत ज़्यादा डेप्थ तक कॉम्पेक्शन कर रहे हैं सेम अमाउंट ऑफ एनर्जी इम्पैक्ट से, तो हमें उसकी जो डेंसिटी की वैल्यू होगी वो कम मिलने वाली है। बट अगर वो लेयर मैं कम रखूंगा, ठीक है, थिकनेस कम रखूंगा, उसके ऊपर सेम एनर्जी से अफेक्ट करूंगा, तो मुझे हायर डेंसिटी अचीव होगी। क्लियर? तो थिकनेस ऑफ लेयर भी मेजर रोल प्ले करने वाला है उसके अंदर। उसके बाद आता है सैचुरेशन लाइन, मतलब उसका एक्सटेंट सैचुरेशन पॉइंट कितना है, जिसको हमें पता चलता है ओएमसी एंड एमडीडी, जो हम ऑप्टिमम मॉइस्चर कंटेंट मेजर कर देते हैं, ठीक है, तो उसकी सैचुरेशन लाइन भी एक मेजर रोल प्ले करेगी। देन आफ्टर एडमिक्सचर्स, एडमिक्सचर मतलब जो सॉइल है उसके अंदर किस किस टाइप के हमने एडमिक्सचर्स ऐड किए। कुछ एडमिक्सचर्स ऐसे होते हैं जो ज़्यादा डेंसिटी प्रोवाइड करते हैं, और कुछ ऐसे होते हैं जो ज़्यादा मॉइस्चर कंटेंट प्रोवाइड करते हैं। क्लियर? तो एडमिक्सचर के ऊपर भी काफ़ी कहते हैं कि डिपेंड रहती है कॉम्पेक्शन की मेथड। देन आता है स्टोन कंटेंट, मतलब जो हम सैंपल कलेक्ट कर रहे हैं उसके अंदर स्टोन है कि नहीं। क्लियर? उसके ऊपर भी अफेक्ट करेगा, क्योंकि स्टोन ज़्यादातर कॉम्पैक्ट नहीं होते वो। क्लियर? तो वो कॉम्पेक्शन में बाधा उत्पन्न कर सकते हैं हम जब कॉम्पेक्शन करते हैं तब। तो ये सब फैक्टर्स है जिसके बारे में हम डिटेल में नेक्स्ट लेक्चर में देखेंगे। अगर ये भी देख लेंगे तो वीडियो बहुत बड़ा हो जाएगा, इसलिए हम इसको डिटेल में नेक्स्ट लेक्चर में देखते हैं। ठीक है, आज के लिए बस हम इतना ही रखते हैं। मॉइस्चर कंटेंट के जो कर्व है, कॉम्पेक्शन कर्व है, उस उतना ही रखते हैं। ठीक है, होप आप लोगों को वीडियो समझ में आएगा। अगर नहीं समझ में आता तो आप फिर से इसको रिपीट करिए। क्लियर? और ज़्यादा डिटेल्स कलेक्ट करने का ट्राई करिए। आपके पास अभी घर पे ही बैठे हो तो नेटवर्क और वगैरह की फैसिलिटी होगी, सबके पास मोबाइल फ़ोन है, इंटरनेट है, तो आप ज़्यादा डिटेल्स कलेक्ट करना ट्राई कीजिए। आपके बुक में भी आपको ज़्यादा डिटेल्स नहीं दी होंगी, ठीक है, लिमिटेड डिटेल्स दी होती है जो हमारी सिलेबस के अंदर होती है। अगर आपको इसके अंदर ज़्यादा इंटरेस्ट हो रहा है तो आप कॉम्पेक्शन कर्व रिलेटेड काफ़ी चीज़ें देख सकते हो, उसको अलग अलग टाइप ऑफ सॉइल पे कैसे इफेक्ट करता है, कॉम्पेक्टिव एफर्ट से कैसे इफेक्ट करता है कॉम्पेक्शन कर्व, कौन सी सॉइल में कैसा कॉम्पेक्शन कर्व प्लॉट होता है, राइट, जो एक्सपांसिव सॉइल है उसके अंदर कैसे रीडिंग आएंगे, ये अलग अलग चीज़ आप अपने हिसाब से भी फाइंड करके कहते हैं कि हम लोग मीटिंग जब करते हो तो उसमें आप उससे डिस्कस कर सकते हो मेरे साथ। क्लियर? तो बस स्टूडेंट्स आज के लिए बस इतना ही रखते हैं हम लोग, मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में विद द फैक्टर अफेक्टिंग कॉम्पेक्शन टॉपिक के साथ। तब तक के लिए स्टे ब्लेस एंड टेक केयर ऑफ योर सेल्फ। थैंक यू। It's the fourth one.